मेरी दानिस्त में इस खत्ते में रहने वाले हम सब लोग हमारी तीन आइडेंटिटीज़ हैं और किसी शख्स की एक से ज़्यादा पहचानें हो सकती हैं एक से ज़्यादा आइडेंटिटीज होना हो सकती हैं इन तीनों आइडेंटिटीज़ की जो तरतीब है वो आप अपने हिसाब से तय कर लें मैं इनको बगैर किसी तरतीब के एक दो तीन के तौर पर आपको बयान करता हूँ पहली बात यह है कि हम सब मुसलमान हैं हम पाकिस्तानी हैं हम इंसान हैं आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि इस तरह क्यों नहीं कहते कि पहले इंसान हैं फिर पाकिस्तानी हैं फिर मुसलमान हैं और कुछ ये कहेंगे कि नहीं आप ये क्यों नहीं कहते कि सबसे पहले पाकिस्तान पहले पाकिस्तानी हैं फिर मुसलमान हैं फिर इंसान हैं तो मैं इस बहस में नहीं पढ़ता मैं तीनों को बराबर बराबर आपके सामने रख देता हूं आप जिस तरह से चाहें इसको तरतीब लेकिन हमारी माशरती ज़िंदगी में ये तीनों पहचाने हमारे यहाँ मौजूद होना चाहिए ये बात मौजुअ गुफ्तु आई इसलिए है कि इस सिलसिले में अमूमी तौर पर हम सारे और खसूस तौर पर हमारे नौजवान बहुत ही कन्फ्यूजन का शिकार हैं अरब कौन होता है जर्मन कौन होता है अंग्रेज़ कौन होता है और चीनी कौन होता है ये बगैर किसी को बताए हुए सबको मालूम है लेकिन पाकिस्तानी कौन होता है हमें ये तय करना है और अपने रवैये से इसका इजहार होना ज़रूरी है जब मैं एक सरकारी दफ्तर में काम करता हूँ और अपने दफ्तर से एयर कंडीशन बंद किए बग़ैर और बत्ती और पंखे को जलता हुआ छोड़कर चला जाता हूं, तो हमें शक होने लगता है कि शायद ये शख्स पाकिस्तानी ना हो जब हम अपने पाकिस्तान की सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाएं और सरकारी अमलाक की कोई परवाह न करें और बेदरेग सरकारी वसाइल को ख़र्च करें और उसका कोई हिसाब न दें जब हम बिजली का बिल ना अदा करें जब हम बिजली की तार के ऊपर एक और तार डालकर बग़ैर मीटर के अपने घरों में बिजली लेकर आए तो ये शक होता है कि इस घर में रहने वाले लोग पाकिस्तानी हैं या किसी और मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं हमें अपने ज़ात में अपनी सिफात में और अपनी आने वाली नस्लों को ये बात बताना है कि आप दुनिया के किसी ख़ते में भी हों आपकी ये पहचान कि आप पाकिस्तानी हैं ये हर वक्त मौजूद रहनी चाहिए हमारी एक और पहचान हमारा मुसलमान होना है जिस तरीके से एक चीनी कुछ भी ना बोले तो हमें पता लग जाता है कि ये चीनी बाशिंदा है हमारा मुसलमान होना हमारे बात करने से हमारे रहन सहन से हमारी वज़ाकता से हमारे रवैये से इसका इजहार होना ज़रूरी है और इस बात का हमें पता होना चाहिए कि इस पहचान को हम इस शिद्दत के साथ अपनी आने वाली नस्लों में अपने निसाब में अपने तालीम के तमाम इदारों में और अपने महलों में गलियों में और घरों में इस पहचान की सनद को रज करें कि हर शख़्स देखकर पहचान सके और ये कहे कि ये शख्स चूंकि मुसलमान है इसलिए ये झूठ नहीं बोल सकता ये शख्स चूंकि मुसलमान है लिहाजा इसके मुंह से कभी भी कोई नाजेबा गुफ्तु नहीं निकलेगी चूंकि ये शख्स मुसलमान है तो इसलिए ये बाहया है क्योंकि ये मुसलमान है तो इसके आँखों से इसके हाथ से इसकी गुफ्तु से इसके रवैये से बाकी तमाम मुसलमान महफूज हैं ये सारी उमत मुसलिम का रखवाला है ये पहचान हमें बिल्कुल उस तरीके से नज़र आती है नज़र आनी चाहिए हमारी जिस्मों से और हमारे अफ़ाल से जैसे रोज़ रोशन की तरह हमें सूरज नज़र आता है और तीसरी हम इंसान हैं जब आप मोटर वे पर अपनी एक आम सी गाड़ी पे जा रहे होते हैं और डेढ़ करोड़ रुपये की एक गाड़ी शां से आपके करीब से गुज़रती है और फिर उसका शीशा खुलता है और उसमें से केले के छिलके और शॉपर नीचे गिरते हैं मोटरवे पर तो आप ये सोचते हैं कि पता नहीं इस गाड़ी में कोई इंसान बैठा हुआ है या इंसान के अलावा कोई और बैठा हुआ है जिस वक्त एक शख्स किसी शख्स को तकलीफ़ में देखने के बावजूद नहीं रुकता जिस वक्त एक शख्स पूरे माहौल को आलूदा कर रहा है और गंदा कर रहा है जिस वक्त एक शख्स अपने पैसे के ज़ोम पर बाकी तमाम लोगों को ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़े समझ रहा है और अपने रवैये से इसका इजहार कर रहा है तो ये शक पैदा होता है कि ये शख्स बाहर दो आँखों दो कान एक नाक और दो बाजू और दो टांगों वाला और एक सर वाला शख्स क्या वाकई ये इंसान है या नहीं